राजनांदगांव जिले में अधिक रेट में शराब बेचने के मामले में आबकारी सुपरवाइजर अमित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते दिनों संचालित शराब दुकानों के सेल्समैन और सुपरवाइजरों ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर अमित मिश्रा के द्वारा उन्हें जातिगत गाली गलौज दी जाती है, साथ ही अधिक रेट में शराब बेचने का दबाव बनाया जाता है। शिकायत मिलते ही पुलिस के द्वारा जांच की गई तो जांच में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार को विधिवत तरीके से अमित मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया। इसके तहत ही नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि अन्य मुद्दों पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर दी है। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। कर्मचारियों द्वारा और उनके सुपरवाइजर सेल्समैन द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई थी, जिसमें पूर्व लोकेशन ऑफिसर अमित मिश्रा के द्वारा अभद्रता करना, सेल्समैनों के साथ में गाली गलौज करना, दुर्व्यवहार करना, ओवर रेट में शराब बेचना, इस तथ्यों की शिकायत दी गई थी, जिसकी जांच हमारे द्वारा की गई है। अन्य मुद्दों पर तो एक्साइज विभाग ने कार्रवाई कर दी है। इनके साथ कुछ सेल्समैनों के साथ में जातिगत गाली गलौज की शिकायत आई थी, जिस पर से इनके खिलाफ में एक हमने अपराध पंजीबद्ध किया है सिटी एक्ट के तहत में, जिसमें इनकी आज विधिवत गिरफ्तारी करके इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा सुमनी में भी एक शराब दुकान में जाकर इनके द्वारा जन्मदिन में अपना जन्मदिन मनाया गया था, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ कैंडल को जलाया था, जो इनकी घोर लापरवाही श्रेणी में आता है, उस पर भी हमने एक FIR पंजीबद्ध किया है थाना सुमनी में। उसमें भी हम अग्रिम कार्रवाई करके इनके सामने चालान पेश करेंगे।